नमस्कार, आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सच्ची कहानी है, गौर से सुनिएगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत है। बनारस में अपने चाचा के साथ एक 9 साल का बच्चा गंगा घाट घूमने गया है। गंगा का घाट, घाट पर बैठे हुए पंडे, पंडों की छतरियाँ, घाट पर बने मंदिर, मंदिरों के घंटे, ये सारी बातें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है उस बच्चे को। उसे लगता है जैसे ये सारी चीज़ें उसे अपने पास बुला रही हैं। लेकिन उसे इस छोटी सी यात्रा में बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे उंगली पकड़वा कर घुमाया जा रहा है। कुछ दिन बाद वो बच्चा चुपचाप बनारस की 2-3 मील की सैर अकेला करके घर लौट आता है। लेकिन इस बच्चे की जिज्ञासा बहुत बड़ी है और इसमें एक विलक्षण प्रतिभा है जिसको छपरा बिहार के एक महंत पहचानते हैं और बाकायदा इस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह बच्चा वहाँ भी नहीं टिकता और वहाँ से पहुँचता है मद्रास। मद्रास से पैदल यात्रा शुरू करता है तिरुमलई की, जहाँ यह सीखता है तमिल भाषा। अब वहाँ अपने सीखे हुए रीति रिवाजों से और अपने पढ़े हुए धर्म ग्रंथों पर इसे शक है, तो ये वापस यात्रा शुरू कर देता है उत्तर की तरफ और पहुंचता है आगरा के आर्य मुसाफिर विद्यालय में, जहां ये मौलवी महेश प्रसाद से सीखता है अरबी और अपने संस्कृत के अध्ययन को और मजबूत करता है। ये श्रीलंका भी जाता है और ये नौजवान श्रीलंका के एक बौद्ध मठ में पाली भाषा सीखता है। जानते हैं हम किस शख्स की बात कर रहे हैं? ये वही शख्स है जिसने अपने ज़िंदगी के ज़्यादातर यानी करीब करीब 45 साल घुमक्कड़ी में ही निकाले। और ऐसी वैसी घुमक्कड़ी नहीं, इस घूमते फिरते रहने में इस शख्स ने दुनिया भर से किताबें लाद लाद कर भारत के म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज भर दिए। इसने करीब करीब 140 किताबें लिखी, जिसमें उपन्यास हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं, नाटक हैं। और सबसे बड़ी बात, इस शख्स को भारत का फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलॉग यानी यात्रा वृत्तांत का पितामह कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं विदेश की, देश की करीब करीब 30 भाषाओं के ज्ञाता, साहित्य अकादमी विजेता, पद्म भूषण महापंडित घुमक्कड़ शास्त्री राहुल सांकृत्यायन की। और आज हम बात करेंगे उन्हीं के लिखे हुए घुमक्कड़ शास्त्र की। घुमक्कड़ शास्त्र अपने वक्त की यानी सन 1949 के आसपास की एक अनोखी किताब है। ये युवाओं को घुमक्कड़ी के लिए प्रोत्साहित करती है और घुमक्कड़ों को एक बहुत मददगार ट्रैवलर्स गाइड देती है। लेकिन ये घुमक्कड़ी कुछ दिन की नहीं, जीवन भर की है। राहुल युवाओं को आजीवन घुमक्कड़ी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके लिए समाज और परिवार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसी को लेकर इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें अगर माता पिता पढ़ लें और अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देख लें तो शायद घुमक्कड़ शास्त्र की प्रतियां जला दें। गृह कारज नाना जंजाला, इसी पंक्ति के साथ राहुल अपना जंजाल तोड़ो नाम का अध्याय शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि परिवार और खास तौर पर माँ का स्नेह घुमक्कड़ के लिए बहुत मजबूत बंधन होता है, इसे तोड़ फेंकना चाहिए। उनका कहना है कि अगर माँ के उपकार चुकाने हैं तो घर से निकलकर घूम घूम कर कुछ ऐसे काम करो कि बड़ी शख्सियतों में तुम्हारा नाम शुमार। वो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि जिनकी माताएं ये सब बातें समझने में असमर्थ हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि आंख मूंद कर, आंख बचाकर घर से भाग जाओ। वो कहते हैं कि कुछ दिन रोध होकर माओं की आंखें सूख जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। एक कदम और आगे बढ़कर वो सलाह देते हैं कि अगर घर में 2 बेटे हैं फिर तो कुछ भी सोचे बिना निश्चिंतता से भाग जाना चाहिए। और सबसे मजेदार बात तो वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस सदी के अंत तक
एक करोड़ माताएं अपने लालों से वंचित हो जाएं, और इसके लिए जो भी पाप हो उसे ईसा मसीह की तरह सर पर उठाकर मैं सूली पर चढ़ने को तैयार हूं। एक जगह लिखा है कि पिताओं को तो बस वंश वृद्धि की परवाह है, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हर साल देश में 50 लाख मुंह जन्म ले रहे हैं। तो जो पति पत्नी एक मुंह पैदा करने से हाथ खींच लेते हैं वो तो परम पुण्य के भागी हैं। राहुल ये भी लिखते हैं कि पुरुष घर से भाग जाए और ना आए तो विधवा होने में ही कैसी बुराई है। वो कहते हैं कि पुराने वक्त में 3 साल तक पति के ना आने पर स्त्रियों को दूसरी शादी करने की अनुमति थी, और आज भी हिंदू कोड बिल में ये है ना अजीब बात है। लेकिन घुमक्कड़ी में ऐसा है क्या कि उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया जाए? इस सवाल का जवाब कुल मिलाकर राहुल ये देते हैं कि अगर आपको घर घुसो या अपने डेली रूटीन में ही घूमते रहने वाले तेली के बैल की तरह न बनकर एक बड़ा जीवन जीना है और समाज के लिए कुछ बड़ा कर जाना है तो घुमक्कड़ बनना पड़ेगा। वो कहते हैं कि समाज से जितना लिया है उससे 100 गुना ज्यादा उसे देना होगा। इस बात को साफ करते हुए वो कई बड़ी शख्सियतों की मिसाल देकर बताते हैं कि अगर वो घुमक्कड़ न होते तो उन्हें इस तरह याद नहीं किया जाता। चार्ल्स डार्विन, कोलंबस और वास्को डा गामा महान आविष्कारक न होते अगर घुमक्कड़ न होते। वो श्रमण महावीर को घुमक्कड़ राज लिखते हैं। राहुल के मुताबिक शंकराचार्य भी अपनी घुमक्कड़ी के कारण ही ब्रह्म स्वरूप बन पाए। गुरु नानक भी गुरु नानक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भारत से बाहर ईरान और अरब तक धावा बोला। दयानंद सरस्वती भी स्वामी दयानंद इसलिए बने क्योंकि उन्होंने समुद्र यात्रा के खिलाफ दी जाने वाली दलीलों की चिंदी चिंदी कर दी और भारत में भी हर जगह घूमे। और तो और, राहुल के मुताबिक ये दुनिया जिसमें हम हैं असल में बनाई ही घुमक्कड़ों ने है। वो कहते हैं कि प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। अगर वो नदी के किनारे पूरी जिंदगी एक ही जगह पड़ा रहता तो उसका विकास होते होते आज हम यहां तक नहीं पहुंचते। इतना बड़ा बलिदान, माँ बाप भाई बहन पत्नी सभी को पीछे छोड़कर चले आना है। ऊंची ऊंची मंजिलें और लंबे लंबे रास्ते तय करने हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं करना। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र में अपने भावी घुमक्कड़ों को कुछ तैयारियां करने के लिए भी कहते हैं। वो कहते हैं कि 12 से 14 साल की उम्र तक हर भावी घुमक्कड़ को ये तय कर लेना बहुत ज़रूरी है कि मुझे घुमक्कड़ धर्म का पालन करने के लिए घर से निकल पड़ना है। ये दृढ़ निश्चय कर लेने के बाद उसे मैट्रिक की परीक्षा पास करनी है और कुछ बहुत ज़रूरी विषयों का बुनियादी ज्ञान लेना भी ज़रूरी है, जैसे गणित, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, साहित्य। वो लिखते हैं कि जब एक घुमक्कड़ दूर किसी गांव, पहाड़, जंगल में घूम रहा होगा बिना किसी मदद के, तब ये उन विषयों का ज्ञान है जो उसे मदद देगा। राहुल कहते हैं कि अपनी इस तैयारी को 16 से 18 साल के बजाय 24 साल तक खींचा भी जा सकता है, क्योंकि तब तक शायद कम से कम ये घुमक्कड़ BA पास कर ले और अपने आप को घुमक्कड़ धर्म का पालन करने के लिए और मजबूती से तैयार कर ले। और इस बीच बड़ी मज़ेदार बातें कहते हैं राहुल कि अपने आप के शरीर को वो फौलाद का बना ले, बहुत परिश्रम करे, क्योंकि दूर किसी पहाड़ में जब आप अकेले होंगे बिना किसी मदद के तो आपको कहीं कहीं तो खच्चर मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर यूं होगा कि आपको अपना सामान अपनी ही पीठ पर लादकर लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ेंगी। इसलिए अपने शरीर को फौलाद का बनाना बहुत ज़रूरी है। वो ये भी कहते हैं कि इस बीच थोड़ा और वक्त लेकर ये भावी घुमक्कड़ लगभग 150 यात्रा वृत्तांत यानी ट्रैवलॉग्स पढ़ सकता है। ये ट्रैवलॉग्स उसको
वो जानकारियां दे पाएंगे जो किसी विषय की किसी और किताब में नहीं मिल सकती। है ना मज़ेदार? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अब घुमक्कड़ निकल तो पड़ेगा, लेकिन राहुल ये भी कहते हैं कि धन संपत्ति घुमक्कड़ की राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। अब धन संपत्ति तो अपने पास रखनी नहीं है, लेकिन साथ साथ राहुल ये भी कहते हैं कि एक घुमक्कड़ की पॉकेट में सिर्फ उतना पैसा हो कि उसे भीख न मांगनी पड़े। अब ये जो थोड़ा सा पैसा है, इसका इंतजाम कैसे किया जाए? यहां वो मजेदार अध्याय शुरू होता है जब राहुल बताते हैं कि आपको किस तरह से इस तरह की घुमक्कड़ी में अपना श्रम बेचना पड़े। वो लिखते हैं कि अगर आप कहीं अकेले घुमक्कड़ घूम रहे हैं और आपको कुछ लोग मिले जिनका सामान अपनी पीठ पर लादकर आपको यहां से वहां ले जाना है एक कुली बनकर, या फिर आपको एक दूर अनजान अनदेखे गांव के एक अजनबी परिवार के बर्तन मांजने हैं या उसके कपड़े धोने हैं, तो फिर इसमें शर्म कैसी? कुछ पैसा भी मिलेगा और ये तो घुमक्कड़ को एक अव्वल दर्जे का घुमक्कड़ बनाने में बड़ा मददगार है। वो ये भी लिखते हैं एक बड़ी मजेदार बात कि हर भावी घुमक्कड़ को हजामत करना जरूर सीखना चाहिए। हर दिन कुछ कुछ यानी 6-6 घंटे अगर हजामत को दिए जाएं तो वो ये कला बड़े अच्छे से सीख जाएगा। पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और दूर गांव में, दूर पहाड़ों जंगलों में अनजान लोगों से घुलने मिलने में भी बड़ी मदद होती है। इसी घुलने मिलने की बात को वो आगे ले जाकर कहते हैं कि घुलना मिलना ही तो है जो आपको अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएगा, क्योंकि घुमक्कड़ी का मतलब ये नहीं कि बस अपना श्रम बेचते रहे और पेट पालते रहे। आपको तो वो बड़े आदर्श, वो बड़ी मंजिल तक पहुंचना है। उसके लिए आपको अनजानी जातियों में जाकर, अनजाने गांव में जाकर, अनदेखे लोगों के साथ आपको उनका ज्ञान समाज के सामने लेकर आना है। अब ये घुलने मिलने के लिए राहुल लिखते हैं कि आपको गाना बजाना ज़रूर आना चाहिए। गाना बजाना भी कैसा? शास्त्रीय नहीं, क्योंकि घुमक्कड़ अपनी पीठ पर सितार, वीणा, तबला, हारमोनियम लाद कर तो चल नहीं सकता। उसे तो एक जगह बस कुछ ही दिन रहना है और यहाँ से वहाँ घूमते रहना है। तो यहाँ राहुल कहते हैं कि बांसुरी बाजों की रानी है, कहीं भी खोंस लो, कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होकर बजाने लगो, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और अगर आप अच्छा बजाते हैं लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। उन्हीं के लोक संगीत को अपनी बांसुरी में उतार कर उनको सुनाओ, कुछ अनजानी धुने भी सुनाओ, तो लोग जब किसी को अच्छा गाता हुआ या अच्छा बजाता हुआ सुनते हैं तो उसको अपने बीच में बैठाने के लिए उत्सुक होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और यही वो चीज़ है जो उन लोगों से घुलने मिलने में आपको सहायता करेगी। वो लिखते हैं कि अगर बांसुरी आप ले जाना भूल गए हैं या आपको कहीं मिल नहीं रही है तो कुछ जगहों में आपको बांस मिलेगा। बांस को तोड़ लें, लोहे की किसी चीज से उसमें छेद करें और बांसुरी बना लें। राहुल सांकृत्यायन और उनके वक्त के या उनसे पहले के वक्त के उन्हीं के जैसे महान घुमक्कड़ों ने ऐसे ही अपनी यात्राएं पूरी की हैं। है ना बहुत मजेदार? तो घुमक्कड़ को करना क्या है? उसे दुनिया की कुछ अनदेखी अनजानी जगहों और उनमें रहने वाले लोगों की कला, संस्कृति और इतिहास को सामने लाना है। हो सकता है यहाँ घुमक्कड़ को वो चीजें मिल जाएं जो दुनिया लुप्त मान चुकी है। राहुल के मुताबिक इस घुमक्कड़ी में सबसे ज्यादा रस उन जातियों से मिलने में आता है जो पिछड़ी हुई है, यानी जो नई दुनिया के ज्ञान विज्ञान से बहुत दूर है। ये वो जातियां हैं जिन्होंने अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को एकदम वैसा का वैसा संजो कर रखा है। इन चीजों को सामने लाकर हम अपने इतिहास की कई सारी खोई कड़ियां जोड़ सकते हैं। इनकी जनकला से, यानी इनकी यूनिक चित्रकला, गीत संगीत और नृत्य से दुनिया को रूबरू करा सकते हैं। राहुल लिखते हैं कि पिछड़ी जातियों की संस्कृति सिर्फ देखने सुनने में ही मजेदार नहीं,
बल्कि हो सकता है कि वो हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी कोई नई चीज दे जाए। वो किताब में ये भी बताते हैं कि इन जातियों के साथ थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत भी है। जैसा वो करें वैसा ही आपको करना है। उनके साथ शिकार भी करने जाना है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो जानवर या फल फूल वो खाएं वही आपको भी खाना है। शायद उन्हीं की तरह पहनना ओढ़ना भी पड़े। तो कुल मिलाकर आपको अपनी शख्सियत का काफी सारा हिस्सा काट के फेंकना पड़ सकता है, यानी अपनी पसंद नापसंद और खास तौर से धर्म अधर्म भुलाकर। राहुल ने भारत की ही ऐसी करीब 200 पिछड़ी जातियों के नाम गिनवाकर युवा घुमक्कड़ों के लिए बहुत बड़ा मैदान खोल के रख दिया है। हो सकता है कि अभी भी इनमें से काफी नाम अनएक्सप्लोर्ड हों। इन पिछड़ी जातियों के अलावा राहुल एक बहुत ही मजेदार घुमक्कड़ जाति का जिक्र करते हैं। ये लोग सरकंडे के सिरों को निकालकर अपनी अस्थाई ठिकानों को ढकते हैं। सरकंडे के इन सिरों को बोला जाता था सिरकी, और जिससे इस घुमक्कड़ जाति को सिरकी वाले कहा जाता है। ये लोग कभी भी एक जगह न टिककर जगह जगह घूमते हैं और बंदर भालू का करतब दिखाते हैं। सपेरे भी होते हैं। कभी कभी तो ये और इनके बच्चे भी आपको रस्सियों पर चलते दिखाई देंगे। हम आम तौर पर इन पर या तो दया दिखाते हैं या कुछ पैसे देकर इनके पास से होते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन राहुल अपने घुमक्कड़ों से घुमक्कड़ शास्त्र में क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मेरा घुमक्कड़ इन सिरकी वालों के साथ रहेगा। सुबह सुबह इन सिरकी वाले मर्द और औरतों के साथ काम पर जाएगा, और शाम को जब इनकी सिरकी में वो वापस लौटता है तो जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें ईंधन जलाया जाता है। सिरकी के बांस से टंगी हुई हांडी उतारी जाती है, और अन्न के पकने पर जो खुशबू आती है उससे सिरकी वाले के बच्चों के मुंह से लार टपकती है। ये सब राहुल का घुमक्कड़ देखेगा। उसके बाद सपेरे की बीन पर नाच गाना होगा, और धीरे धीरे दिन भर की सारी थकान बीन की धुन में घुलने लगेगी। है ना मजेदार? राहुल हमें हैरत में डाल देते हैं जब वो ये बताते हैं कि इसी तरह यूरोप के बंजारे भी हैं, और असल में ये भारत यूरोप और मध्य एशिया में घूमते फिरने वाले एक ही जाति से ताल्लुक रखते हैं। ये पता चलता है जब राहुल उनकी जबान में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हमारे सामने लाकर रख देते हैं। ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। हमारे भारत के बंजारे और यूरोप के बंजारे आश्चर्यजनक रूप से लगभग एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं। तो देखा क्या कर रहा है राहुल का घुमक्कड़? वो घूम रहा है, इतिहास की खोई हुई कड़ियों को जोड़ रहा है, भाषा की खोई हुई कड़ियों को जोड़ रहा है, और साथ ही साथ रस भी ले रहा है।